हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह प्रौंचल जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। स्टूडेंट्स, आलमबाद के प्रौंचल विश्वविद्यालय जौनपुर से ऑफिलेटेड कलेज डिग्री पीजी कॉलेज से एक नोटिस जारी किया गया, जहां पे आप सबके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं कि TDPSC कॉलेज के जो नोटिस जारी किया गया है, साथ ही साथ हम TDPSC कॉलेज के एक ऐसा वीडियो आप सबको शेयर करेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि TDPSC कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की कितनी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। बच्चों को कई घंटों तक लाइन में होकर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ा है, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करना पड़ा है TDPSC कॉलेज में। ये स्थिति आप सबको मालूम है किस कारण हुई है, कैसे हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप माय टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पूर्वांचल से संबंधित साथ ही साथ TDPSC कॉलेज से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं TDPSC कॉलेज से क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसा हमने आपको पहले से बताया कि TDPSC कॉलेज में आप सबको जो नोटिस जारी किया गया, वहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन समिति, यहाँ पे आप सभी परीक्षा फॉर्म संबंधित आवश्यक सूचना, महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह इन्फॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो UG और PG के सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, चाहे आप BA के स्टूडेंट हो, चाहे आप BSc के स्टूडेंट हो, चाहे आप BCom के स्टूडेंट हो, चाहे आप MA के स्टूडेंट हो, चाहे आप MSc के स्टूडेंट हो, चाहे आप MCom के स्टूडेंट हैं, ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। स्नातक स्नातकोत्तर शैक्षिक सत्र 2023-24 में विषम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा व बैक पेपर एवं कैरी फॉरवर्ड के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, जिनका रजिस्ट्रेशन एवं कैरी फॉरवर्ड फॉर्म जमा करने की तिथि 10 नवंबर तक विस्तारित की गई है। इस क्रम में छूटे हुए छात्र छात्राएं अपने प्रवेश शुल्क जमा कर परीक्षा विस्तारित कराकर संबंधित लिपिक के पास अवश्य जमा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रौंचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है कि जहाँ पे आप सबसे एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल हो रहा है, वहाँ पे अगर हम बात करें जितने भी मुख्य परीक्षा की फॉर्म, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेन कोर्स का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के साथ साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जितने भी बैक पेपर के स्टूडेंट हो, जितने भी कैरी फॉरवर्ड के स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर यह कहा गया है कि वे सभी स्टूडेंट्स अपने संबंधित लिपिक जो वहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है उसके अनुसार जो भी इनका प्रवेश शुल्क होता है उससे प्रवेश शुल्क के साथ वह फॉर्म वहाँ पे अपना जमा करें, अन्यथा वह इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया। आइए अब हम दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TDPSC कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो स्टूडेंट्स की लाइन लग रही है वह कितनी भयावह और ख़तरनाक होती जा रही है। यहाँ पे अगर हम आपको सबसे पहले वीडियो शेयर करेंगे जहाँ पे आप सुबह मॉर्निंग के 5 AM पे आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स आके लाइन लगा लेते हैं, जिससे हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म पहले जमा कर लें। और आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म जमा होने की टाइमिंग है वह सुबह 8 बजे से होती है। अब यहाँ पे हम आपको सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो जमा हो रहा है वो कितने बजे से कितने बजे तक एग्जामिनेशन फॉर्म जमा हो रहा है। यहाँ पे TDPSC कॉलेज में छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए जमा करने की जो टाइमिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। कहने का मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अब TDPSC कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म जमा होता है। आइए एग्जामिनेशन फॉर्म जिस प्रकार जमा होता है हम उस पर देख सकते हैं कि TDPSC कॉलेज से नोटिस जारी किया गया जहाँ पे लिखा हुआ है जो कार्यालय का आदेश है। यहाँ पे देखते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक और दोपहर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। यहाँ पे अगर हम कर्मचारी का आप नाम देख सकते हैं, जहाँ पे सुबह से लेकर शाम कर्मचारी और सेकंड टाइम में जो सेकंड शिफ्ट कार्यक्रम है उसमें भी लगभग 7 कर्मचारी ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में या कह सकते हैं कि इसमें ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पे आप देखते हैं आपको आदेशित किया जाता है कि आपकी ड्यूटी महाविद्यालय के लेखा विभाग में दिनांक 8/11/2023 से फीस काउंटर तक पर उक्त समय तक लगाई जाती है। कहने मतलब बच्चों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप देख सकते हैं जो आपके लिए लेखा विभाग में वो काउंटर पर जहाँ पर शुल्क आपकी जमा होती है उन सभी पर देख सकते हैं कि जो आपकी अभी तक कॉलेज की टाइमिंग 10 बजे से 2 बजे तक फीस काउंटर खुले रहते थे, अब उस टाइमिंग को बढ़ा के आपकी सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक और फिर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म या कह सकते हैं जो उसकी फ़ी होती है उसको जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आप देखे काफ़ी भयभीत हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए एक आपको फोटो हम दिखाना चाहते हैं जो आपकी 7 नवंबर तक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी टाइमिंग लिखी हुई है 5:17 मॉर्निंग में 5:17 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो आके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए लाइन लगा ले रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 नवंबर 2023 सुबह 5:17 ये सभी बच्चे आप देख सकते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने जमा करने के लिए TDPSC कॉलेज के इस काउंटर पर आके खड़े हुए, क्योंकि इनको मालूम है कि सुबह 8 बजे से काउंटर ओपन होगा और काउंटर 8 बजे जब ओपन होगा तो हमारी लाइन जल्द से जल्द लग जाए और हमारे फॉर्म जल्द से जल्द जमा हो जाए। ऐसे हम आपको कई और फोटो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम आपको फोटो दिखाना चाहते हैं वह सुबह 6:11 का है। अब आप देखिए यहाँ पे सुबह 6:11 पे जो हम आपको फोटो दिखा रहे हैं वहाँ पे आप ये लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे गर्ल्स की लाइन कितनी लंबी गर्ल्स की लाइन लग चुकी है आप काउंटर पर देख सकते हैं, और इधर नेक्स्ट शिफ्ट में आप देख सकते हैं इधर बॉयज़ की लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन बॉयज़ की लगी हुई है। अब हम आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहेंगे जहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हुए बच्चों की कितनी भयावह भीड़ लगी हुई है।
तो देख सकते हैं यह आपके दोपहर के 11:17 की है, जहां पे कितनी लंबी चौड़ी लाइन आप सबकी लगी हुई है। अब आप वीडियो देखिए, किस प्रकार की वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं बच्चों के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह आपको 6 बजे से एग्जामिनेशन फॉर्म में, 5 बजे से बच्चे आते हैं, सुबह से लाइन लगा लेते हैं और रात तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करते रहते हैं। इसी प्रकार फर्दर हमारे यूट्यूब चैनल से, जहाँ पे TDPC कॉलेज से रिलेटेड, साथ ही साथ आपको वीर बहादुर सिंह प्रॉन्चम स्टेट जौनपुर से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप सबको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्दर किसी प्रकार अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।